हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की। स्वागत किया जाता है एक और नए वीडियो में। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी समय लगा है भैया। इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। क्या मसीही सुअर का मांस खा सकते हैं? जी हाँ, आज इसी पर चर्चा करेंगे। ओके भैया, पुराने नियम में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि परमेश्वर ने लोगों का लहू के साथ मांस खाने से प्रतिबंधित किया था। जिन पशुओं का गला घोटा गया था उनका आम तौर पर, जैसे पुराने नियम में बताया गया है 17:14 में, क्योंकि शरीर का प्राण जो है वह उसका लहू ही है जो उसके प्राण के साथ एक है। इसलिए मैं इसराइलियों से कहता हूँ कि किसी प्रकार के प्राणी के लहू को तुम ना खाना, क्योंकि सब प्राणियों का प्राण उनका लहू ही है, क्योंकि शरीर का प्राण वह हमारा लहू ही है। मेरे प्रियो, प्राणी के लहू को नहीं खाना चाहिए। अगर कोई उसे कोई खाएगा वह नाश किया जाएगा। वह जानवर जुगाली करते हैं, मतलब जिसको पागुर बोलते हैं, किंतु उनके खुर फटे नहीं होते हैं, तो ऐसे जानवर को मत खाओ। ऊंट और सापान और खरगोश वैसे हैं, इसलिए वह तुम्हारे लिए अपवित्र हैं। अन्य जानवर दो भागों में हैं, जैसे बंटी खुरों वाले, किंतु वे जुगाली नहीं करते हैं, यानी जो पागुर नहीं करते हैं, उन जानवरों को मत खाओ। जैसे सुअर ही है, तुम्हारे लिए अपवित्र है। उन जानवरों का मांस मत खाओ, उनके शव को भी मत छूना, क्योंकि वह अशुद्ध है। यदि कोई जानवर समुद्र या नदी में रहता है और उसके पंख और परते हैं तो तुम उस जानवर को खा सकते हो, किंतु यदि जानवर समुद्र या नदी में रहता है और उसके पंख और परते नहीं होती तो उस जानवर को तुम्हें नहीं खाना चाहिए। वह गंदे जानवर में से एक है। उस जानवर का मांस मत खाओ, उसके शव को भी मत छूना। हमें शव को भी नहीं छूना है। बाइबल कहती है कि जो कोई भी सुअर के मांस और अन्य अशुद्ध चीज़ों को खाता है, जो एक धड़ला है, वह प्रभु के पास आने से नष्ट हो जाएगा, क्योंकि यहोवा आग के साथ आएगा और उसके रथ बोंडर के समान होंगे, जिससे वह अपने क्रोध को जलजलाहट के साथ और अपनी चितौनी को भाषण करने वाली आग की लपट में प्रकट करेगा। क्योंकि यहोवा सब प्राणियों का न्याय करेगा, आग से और तलवार से करेगा, और यहोवा के मारे हुए बहुत होंगे। जो लोग अपने आप को इसलिए पवित्र और शुद्ध करते हैं कि बारियों में जाएं और किसी के पीछे खड़े होकर सुअर व चूहे का मांस और दलित वस्तुएं खाते हैं, वे एक ही संग नाश हो जाएंगे। कि यहोवा की यह वाणी है, सुअर खाना या परमेश्वर की नज़रों में एक पाप है। सुअर हम नहीं खा सकते हैं। आपको पता ही होगा, सुअरों को फार्म का कूड़ा करकट और कचरा खत्म करने वाला माना जाता है। अक्सर वे सचमुच कुछ भी खा सकते हैं जो वे खा सकते हैं। इस कारण वे सुअर का मांस बीमारियों से संतृप्त हो जाता है। सुअर का मांस नहीं खा सकते हैं भैया, या परमेश्वर की नज़र में एक पाप है। आशा करते हैं छोटा सा संदेश आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास शेयर जरूर कर देना। क्या पता आपके एक शेयर से लाखों करोड़ों आत्माएं बच सकती हैं। ओके भैया, इस वीडियो को अपने मसीह भाई बहनों के पास दबा के शेयर करें। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की, गुड लक।